हेलो दोस्तों, सभी को जय सिया राम। दोस्तों आज है 12 जून। कल अपने को जैसे कि वीडियो डाला था 1800 के जैसा लॉस हो गया था। आज सुबह सुबह ही ट्रेड किया, दो स्कैल्प मार दिए तो सुबह सुबह 3500 का प्रॉफिट हो गया। दो स्कैल्प मार के फिर बाद में भी कुछ किया नहीं और नहीं करेंगे। चलो दिखाता हूँ आपको दोस्तों चार्ट पे। ये देखो, दिखाता हूँ आपका। ये आज अपने को टोटल हो गया 3532 रुपये का प्रॉफिट। दो स्टॉक में स्कैल्पिंग किया था, एक बीपीसीएल में, एक टाटा मोटर्स में। दोनों में स्कैल्प मार दिया तो दोनों में अपना आज टारगेट हिट हो गया। चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ये वन डे का चार्ट है, इसको अपन 5 मिनट का कर लेते हैं। टाटा मोटर का ये देखो, ये शुरू शुरू में तो अच्छा है, इसमें मूवमेंट आया था और लेकिन आज अपन ने प्रॉपर कैंडल क्लोज करने के बाद एंट्री की। कल अपनी गलती क्या हो गई थी, बीच में अपन ने एंट्री कर ली थी। आज ये वाले जो कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद में बड़ी कैंडल बनी, इसी में अपन ने एंट्री ली और इसी में बड़ी कैंडल के अंदर ही अपना स्कैल्प हो गया था। इसी में एंट्री लेके इसी में अपना प्रॉफिट एक अच्छा हो गया था, तो अपन इसी में एग्जिट हो गए। उसके बाद तो आप देख रहे होंगे कैसा पूरा पूरा स्टॉक नीचे ही आ गया, उसके ऊपर गया ही नहीं। ये फॉल्स ऐसे भी अटका देते हैं, लेकिन स्कैल्प का क्या फायदा रहता है, तुरंत फटाफट प्रॉफिट लेके बाहर हो जाए, उसके बाद में किधर भी जाए स्टॉक कोई मतलब नहीं रहता। तो आज अपने को टोटल 3532 रुपये का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी मैं दिखा देता हूँ, ये है अपने देखा मोबाइल की दोस्तों, स्क्रीन, आज अपन पैंतीस ने सौ बत्तीस रुपये जो का भी ट्रेड प्रॉफिट किया आपको दिखाया, कल अपने से क्या गलती हुई थी वो आज नहीं किया। आज आराम से उसको कैंडल को अपन ने पूरा क्लोज होने के बाद एंट्री किया, तो इसलिए थोड़ा फायदा हो गया। और कल अपन ने ये गलती की थी कि कैंडल क्लोज होने से पहले ही चालू कैंडल में ही एंट्री मार दी थी, तो उसकी वजह से वो पूरी कैंडल रिजेक्शन होने के चक्कर में कल अपना 1700 रुपये का, 1800 रुपये का कुछ का प्रो नुकसान हो गया था। चलो कोई बात नहीं, आज अपन ने पूरा कवर कर लिया, 3500 रुपये का प्रॉफिट हो गया अपना। यही दोस्तों, अभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। अभी वो नुकसान हो गया तो शुरू में ही बंद कर देने का, और प्रॉफिट हो गया तो शुरू में एक दो ज़्यादा ज़्यादा तीन ट्रेड करने का, उसके बाद में कुछ नहीं। ओवर ट्रेडिंग करने से खाली एक तो साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, ऊपर से ब्रोकरेज भी ज़्यादा चली जाती है। चलो ठीक है दोस्तों, आज यही किया था, ये आपको दिखा दिया। और नए भाई देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपने भी धीरे धीरे 1000 तो हो ही जाए सब्सक्राइबर। क्योंकि अपन कोई टेलीग्राम वगैरह चैनल तो कोई चलाती नहीं, खाली यूट्यूब में इंजॉयमेंट के लिए वीडियो डालते हैं। आप भी करो, क्योंकि अपन क्या पार्ट टाइम ट्रेडर, अभी फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। तो चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।